हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप अपनी स्टडी प्रॉपर कर रहे होंगे। जितना भी वर्क आपके पास आ रहा है आप उसको अपनी इकोनॉमिक्स की नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा अपना सिलेबस लर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है आपके पास आपका सिलेबस आया था कि आपका जितना भी वर्क है वो सब आपका टर्म वाइज आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसका आपका MCQs पोर्शन है ना, कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस आने हैं वो MCQ बेस आने हैं। और अब आपके वीकली टेस्ट होने जा रहे हैं तो वीकली टेस्ट भी आपके MCQ ही होंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स के आपके MCQ होंगे उसमें वीकली टेस्ट में, जो आपका फर्स्ट वीकली टेस्ट होगा ये। तो आज हमें जो इस वीडियो में डिस्कस करना है वो MCQ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे Chapter 1 इंट्रोडक्शन के। ठीक है, आपको अपनी बुक से तो लर्न करने ही करने हैं लेकिन वीडियो को भी ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने MCQ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अवसर लागत क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नंबर ए नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइज्ड, बी नंबर ऑफ यूनिट गेन, सी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन एंड डी है इसका नन ऑफ दीज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि भाई हमें अगर किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे लिए उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हमें वो अगली सर्व जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा कि जो हम काम कर रहे हैं हमें उससे बेस्ट मिले, तो वही तो हमारे लिए क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कहलाती है ना। और आपको हर एक टॉपिक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उन वीडियो को भी ध्यान से सुनेंगे और MCQs भी ध्यान से लर्न करेंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जो हमें नेक्स्ट और बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। कि भाई जो हमारी आर्थिक सिद्धांत है, जो इकोनॉमिक थ्योरी है हमारे, उसके क्या तो उद्देश्य है, किस भाग का उद्देश्य इकोनॉमिक इनकम में और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको निर्धारित करती है। कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इकोनॉमिक थ्योरी को, इकोनॉमिक एम्स को और हमारे एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम पर डिपेंड करता है ना। तो विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। कि आर्थिक सिद्धांत के किस भाग का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है। तो वो जो हमारी जो इकोनॉमी हमारी निर्धारित करती है वो इकोनॉमी हमारी कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपकी बुक भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो है ना, ये दोनों बुक्स होती हैं हमारी जिसमें हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो अभी यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम को डिफाइन करती है वो क्या करती है, वो करती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डील विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कि इनमें से कौन सी आर्थिक समस्या उत्पादन की तकनीक से संबंधित है। मींस जहाँ पर हमें प्रोडक्शन करना है लेकिन वहाँ पर कैसे क्या प्रोडक्शन किस चीज़ को डिफाइन करना है, टेक्निक से। कि अगर हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम क्या करते थे कि पहले जितना भी हमारा काम किया जाता था वो हैंड के थ्रू किया जाता था, हाथ से करते थे, और अब सारा काम हम मशीन के द्वारा टेक्निक के द्वारा करते हैं, है ना। तो जब हमारा सारा काम टेक्निक के थ्रू किया जाता है तो वो ये भी होता है कि थोड़ा मशीन के द्वारा जल्दी भी किया जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा उसका होगा हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें किस टेक्निक के द्वारा कौन सा वर्क किया जाए, हम किस तरह से प्रोडक्शन करें कि हमारा जितना भी हमें वर्क करना है, जितना भी हमें प्रोडक्शन करना है वो जल्दी से जल्दी किया जाए, है ना। तो उसका आंसर होगा हाउ टू प्रोड्यूस, उसी के बेस पर हम वही टेक्निक का फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड इकोनॉमिक इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। कि आर्थिक शब्द का सबसे अधिक निकट का संबंध से है, मीन्स जो हमारी इकोनॉमिक है वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है वर्ड से। कौन सा ऐसा शब्द है जिससे वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट है, तो वो क्या है हमारा स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी को बोलते हैं हम कमी, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें स्कार्सिटी को देखना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, स्कार्सिटी रेफर टू लिमिटेशंस ऑफ डैश इन रिलेशंस टू डैश फॉर अ कमोडिटी।
कि कमी एक वस्तु है जो हमारी स्कार्सिटी है, उसके एक लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि वो किस वस्तु के लिए रिलेटेड है या किस वस्तु के लिमिटेशंस को वो रेफर करती है। तो यहाँ पर आ जाएगा सप्लाई, स्कार्सिटी रेफर टू लिमिटेशंस ऑफ सप्लाई, सप्लाई और रिलेशंस टू डिमांड है कमोडिटी, क्योंकि दोनों का पता है कि भाई डिमांड होगी तो उसी के अकॉर्डिंग क्या की जाएगी, सप्लाई की जाएगी, है ना। सप्लाई और डिमांड में दोनों में कनेक्शन है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सेंटर प्रॉब्लम विच डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कि उस केंद्रीय समस्या को, कि हमारे जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उस केंद्रीय समस्या की पहचान करनी है जो डिसाइड करती है गुड्स टू बी प्रोड्यूस, है ना, कि हमारी उत्पादित प्रोड्यूस होने वाली जो भी हमें प्रोड्यूस करना है उसकी मात्रा को किससे हम रिलेट करें। भाई मान के चलिए हमें किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले हम सेंट्रल प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमें किस तरह से प्रोडक्शन करना है। आपने वीडियो सुनी होगी तो उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस है ना, कि कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और कब उत्पादन करना है। तो हमें यहाँ पर यही देखना है, द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील विद डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी क्वांटिटी में हम कितना प्रोडक्शन करें। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे, फिर कैसे करना है और फिर कब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इसका आंसर होगा ए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेवन क्वेश्चन, द लॉ ऑफ स्कार्सिटी, हमें स्कार्सिटी का लॉ देखना है, स्कार्सिटी क्या होती है, कमी, और इसका कानून देखना है कि क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट डज नॉट, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्री, कि भाई हमें केवल अपनी जो रिच कंट्री है हम उनको ही डेवलप्ड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट apply only the less developed country, केवल कम विकसित देश में लागू हो ये कानून हमारा, नहीं। C option आता है, imply that consumer want will be satisfied in a socialist system, कि भाई जितनी भी हमारे consumer हैं, जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं, वो चाहते हैं कि एक समाजवादी, एक socialist system को अपनाया जाए, उससे वो satisfied हों, ठीक है। Next आता है, imply That consumer want will never be completely satisfied, कि उपभोक्ता की इच्छाएं कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं की जा सकती। कंपनी कितना भी अच्छा, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बना ले, लेकिन एवरी कंज्यूमर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक कंज्यूमर की चॉइस अलग होती है, हर एक कंज्यूमर अलग अलग चीज़ों से सेटिस्फाई होता है। तो इसका ऑप्शन होगा कि ये कानून जो लाओ स्कैरसिटी है, ये हम कहीं पर भी लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पूरी तरह से कभी भी कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा फोर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि भाई हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, निम्न में से कौन आर्थिक समस्या का कारण है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके रीज़न कॉजेज हमें बताना है किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। फर्स्ट है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड इज़ अनलिमिटेड वांट्स, और थर्ड इज़ अल्टरनेटिव यूजेज, एंड फोर्थ इज़ ऑल ऑफ दीज। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज भी है, सबको स्कैरसिटी के अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए। अनलिमिटेड वांट्स, सबकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, सबको एक के बाद एक अल्टरनेटिव यूजेज भी चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ये सभी क्या हैं, तीनों ही रीज़न है, ठीक है, कॉजेज हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पर आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर द इश्यूज रिलेटिंग टू, कि निम्न में क्या उत्पादन कर, हम किस तरह से हम ऐसा प्रोडक्शन करें, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि क्या उत्पादन करें जो इन सभी को कवर कर सके, है ना। तो फर्स्ट, व्हाट टू गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, हम किस तरह से ऐसा प्रोडक्शन करें जो इन सभी को कवर कर सके, जो इन सभी का प्रोडक्शन कर सके। व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कि हम कितनी मात्रा में माल का उत्पादन करें। तो यहाँ पर आता है, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस्ड कवर द इश्यूज रिलेटिंग टू, कि भाई कौन सा ऐसा हम प्रोडक्शन करें जो इनकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो इन सब मुद्दों को शामिल किया जा सकता है।
फर्स्ट व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन से सामान का उत्पादन करें, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड कि कितनी मात्रा में हम उत्पादन करें। तो जो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है वो इन दोनों को कवर करती है कि कौन सा सामान और कितनी मात्रा। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस कवर करता है दोनों को कि कितनी मात्रा में उत्पादन करें और किस सामान का उत्पादन करें, कौन सा गुड्स हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कि निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है हाउ टू प्रोड्यूस भी पढ़ा है, व्हाट टू प्रोड्यूस भी पढ़ा है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस भी पढ़ा है। ये तीनों ही हमारी क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। और इसमें पूछा है इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या नहीं है, तो व्हेन टू प्रोड्यूस हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज, फंडामेंटल यानी कि मूल आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्यों है ना, इसका हमें रीज़न बताना है कि हमें क्यों हम मूल आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, कि हमारे जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बिल्कुल सही बात है कि लिमिट तो किसी की है ही नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो वो अनलिमिटेड है। बी ऑप्शन पर आते हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड है लेकिन हमें रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड चाहिए। सी पर आते हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। डी पर आते हैं, अनलिमिट वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमें देखना है कि हमारी जो आर्थिक समस्या है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम उसको फेस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड है, वॉन्ट्स तो हमारी अनलिमिटेड है, एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और स्कार्सिटी के रिसोर्सेज भी हैं, कि कहीं ना कहीं जो हमारी स्कार्सिटी है उसके रिसोर्सेज भी हैं, उसकी कमियाँ भी हैं। तो यही हमारा आंसर होगा, इसीलिए हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि हमारी जो निम्न में से कौन सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है, मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड है वो क्या क्या है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी ए, बी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, सी नेशनल इनकम, डी इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो इसका आंसर होगा डी, इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, अर्थशास्त्र का अध्ययन है, कि हम जो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं। ए ऑप्शन है हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, बी हाउ टू रिड्यूस आवर बॉन्ड्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइंग, सी ऑप्शन है हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्कार रिसोर्सेज, डी ऑप्शन है हाउ टू फुल्ली सेटिस्फाई आवर लिमिटेड बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आता है सी ऑप्शन है हाउ सोसाइटी मैनेज इट स्कार रिसोर्सेज, कि समाज में अपने दुर्लभ संसाधनों का प्रबंध कैसे करता है। तो ये हमारा किसका होगा कि हम जो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह से स्कैर को मैनेज करती है, रिसोर्सेज करती है, ठीक है। फोर्टीन पर आते हैं, विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम दी गुड्स, कि किस आर्थिक समस्या में उन लोगों की श्रेणी का चयन शामिल है जो अतत जो वस्तुओं का उपभोग करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमने उनका सिलेक्शन करना है, उनको इन्वॉल्व करना है जो अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, जो गुड्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हाउ टू प्रोड्यूस, सेकेंड ऑप्शन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, थर्ड ऑप्शन है व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो हम उन लोगों की आर्थिक समस्या में उन लोगों की श्रेणी को शामिल करते हैं जो कंज्यूम करते हैं गुड्स को, तो वो होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इसका आंसर होगा बी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका 15 क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर इज, कि उत्पादन संभावनाएं फ्रंटियर हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि हम जो पीपीएफ बनाते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम
PPF आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है कि PPF किस तरह से बनाया जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेकंड इज कनकेव शेप्ड, बोथ ए एंड बी, एंड डी है इसका आइदर ए और नॉर बी। तो हम जो PPF का जो कर्व बनाते हैं वो हमारा बोथ ए एंड बी दोनों साइड से बनाते हैं, वो डाउनवर्ड भी होगा और कनकेव भी होगा, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, आपके ये 15 क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के ना आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक के, तो उसके हमें जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर अभी किया है उसके ये आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। जितनी भी वीडियो इस चैप्टर के आपके पास आई हैं उन सभी वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप MCQ क्वेश्चंस भी तभी कर पाओगे जब आप उसके थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे। तो सबसे पहले थ्योरी की वीडियो सुननी है, उसके बाद आपको MCQ क्वेश्चंस को लर्न करना है, ठीक है। तो अपनी स्टडी को प्रॉपर रखिए, और आप चाहे तो अपनी नोटबुक में ये MCQs भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका ही बेनिफिट होगा, आप जितने ज़्यादा MCQs को लर्न करेंगे, क्योंकि इस बार आपका जो टर्म वाइज एग्ज़ाम होगा वो MCQ पर ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़िए, वीडियो को ध्यान से सुनिए और MCQs को लर्न करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।